और कैसे हो लोग, निब्बीज एंड निब्बास, हाउ आर यू। हम जा रहे हैं पांडे जी की चाय पीने आज सुबह सुबह। पीछे मेरा मुस्टुंडों का झुंड खड़ा है, देखना क्या कर रहे हैं लोग। तो आप लोग सोच रहे हैं यार वेलकमिंग स्टाइल, मैंने बोला था पुरानी वीडियो में कि मैं वेलकमिंग स्टाइल चेंज करने वाला हूँ। तो यार वेलकम तो मेहमानों को करते हैं, आप लोग तो मेरे यहाँ रहते हो दिल के अंदर, तो आप लोगों को वेलकम थोड़ी करूँगा, अब रोज़ थोड़ी आप लोगों को नाम बताऊँगा। लेकिन जो नया व्यूअर होगा उसके लिए क्या करें, उसके लिए बोल दिया करूँगा माय नेम इज़ गौरव यादव। तो हम निकलते हैं पांडे जी की चाय पीने, एक हॉल्ट लिया था, तीनों बाइक्स भी यहीं खड़ी हैं एंड व्यू तो एक नंबर है। चलो चलो चले, चलो नाचना नहीं है, व्लॉग बन रहा है, मतलब दिखाना है कि इंस्टाग्राम पे डालना है। चलो आज कैमरा उसके हाथ में, उसके हाथ में, वरना आज कैमरा ये है जी मेरा बिहाइंड दी कैमरा, कुछ भी दिक्कत हुई हो पुरानी वीडियोस में इसको धरना है। तन्मय सूरी इंस्टाग्राम का हैंडल है। हाँ, तन्मय सूरी हैंडल पे आप लोग डीएम करके कंप्लेंट कर, ज्यादा फॉलोवर, ज्यादा नहीं 1.5 मिलियन फॉलोवर हैं भाई के अभी हैं। ज्यादा हो गया। आपके कितने भाई मैश म्यूजिक पे? 2-3 थे यार, मैंने जब लास्ट टाइम देखा था 3 थे मेरे ख्याल। आपके कितने भाई स्नैपचैट पे? मैं नाचते रहते हर जगह, शर्म नहीं आती? मम्मी पापा को पता है भाई यहाँ पे? हाँ भाई पता, तो कर दिलो। किसने मैंने ऊपर की लिख दिया पहन ले दो आशीष, कह रहा हूँ गलती से भी अगर ये बंद निकला तो फिर क्या होगा? देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हार्दिक कह रहा था कि शायद बंद होगा, लेकिन खुला तो है, भीड़ तो है। हार्दिक है मतलब खुला है, खुला है, खुला है। तो घूमना घुमाना बहुत हो गया, अब थोड़ी काम की बात करते हैं। काम की बात ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है? वेट लॉस के ऊपर, वेट लॉस की टिप्स, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बोला था वेट लॉस के ऊपर बनेगी ये वीडियो। तो मैंने सोचा है थोड़ा सा व्लॉग स्टाइल में भी रखते हैं और थोड़ा सा जो है टिप्स एंड ट्रिक्स भी रखते हैं। ओके, सो वेट लॉस, अब अगर मैं जो पहला स्टेप इंसान लेता है कि हमें वेट लॉस करना है या कुछ भी करना है, तो सबसे पहले यूट्यूब पर जाता है हाउ टू लूज वेट फास्ट। अगर मैं ये डालूंगा तो आप देख रहे हो कैसी कैसी वीडियोस आने वाली हैं, फैट ड्रिंकिंग, लूज वेट इन रिजल्ट्स गारंटीड, अलग अलग चीज़ें आने वाली हैं, 10 डेज। इवन मैंने खुद अपने ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है 21 डेज लॉकडाउन ट्रांसफॉर्मेशन। यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं कि वो 21 डेज देखते हैं, वो पीछे का टाइम नहीं देखते मैं कितने टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहली गलती हमें जो सुधारनी है वो है कि आपको अपना टाइम देखना है कि आपको कितना टाइम हो चुका है। अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने ही कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, मैंने 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो अगर मैं किसी को एग्जांपल दूं, जैसे कि ये मेरा भाई बैठा है, अब इसके लिए पॉसिबल नहीं है वो 21 दिन में वो वेट लॉस करना, क्यों? क्योंकि उसको टाइम नहीं हुआ उतना ट्रेन करते हुए। तो मेरे को 3 साल 21 दिन लगे वो ट्रांसफॉर्मेशन करने में। तो पहला फैक्टर कि अपना टाइम लिमिट देखें, पूरा टाइम स्पैन देखें कि आपको ट्रेन करते हुए कितना टाइम हो गया। इसीलिए मेरे लिए ईजी है ट्रांसफॉर्म करना, अगर मैं चाहूँ आज से 2 महीने के लिए स्ट्रिक्ट डाइटिंग पर जाना तो मैं अच्छा खासा श्रेड कर सकता हूँ वेट। ये सब चीज़ें बताने का मतलब क्या है, मैं आपको एक जस्टिफाई कर रहा हूँ कि 3 साल मुझे ट्रेन करते हुए हो गए, अब वो सब मतलब लॉकडाउन के चक्कर में बिगड़ा, 21 दिन में मैंने रिकवर कर लिया, 21 दिन मतलब ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो वो 21 दिन क्यों, इतना शॉर्ट टाइम स्पैन क्यों लगा मुझे? मेरे लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है, वो इसलिए है क्योंकि मेरी मसल मेमोरी बनी हुई है 3 साल तक ट्रेन करते हुए। तो यहाँ पर टर्म आता है मसल मेमोरी। मसल मेमोरी क्या होती है? जब आप ट्रेन करते हो, कोई भी आप बॉडी पर ट्रेन करते हो, इवन जब आप बिगनर होते हो ना, तो जब आप स्टार्टिंग में जिम जाते हो तो आपको मिक्स ज़्यादातर कराई जाती है ताकि आपकी हर मसल की एक मेमोरी बनती जाए कि ये बैक की एक्सरसाइज है, लैट पुल डाउन फॉर एग्जाम्पल, पुशअप्स चेस्ट की एक्सरसाइज है, शोल्डर के लिए आप शोल्डर प्रेस लगाते हो, तो इसीलिए आपकी मसल मेमोरी बनती है। तो टाइम स्पैन देखना होता है, सबसे पहला फैक्टर ये भी है। तो इस चीज़ के पहले तो इस चीज़ के बहकावे से बाहर आ जाओ कि हमारा 21 दिन में फैट लॉस हो जाएगा या 10 दिन में फैट लॉस हो जाएगा। भाई या बहनों, ये ऐसी चीज़ है ना कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, बींग वेरी जेन्युइन, टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ भी 10 दिन में या 20 दिन में नहीं होने वाला, टाइम लगेगा। इस चीज़ को हैबिट बना लो, ठीक है,
मानता हूँ यार थोड़े बहुत ना, कभी कभार मेरे साथ भी होता है, मैं कभी कभार एक एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ, रेगुलर नहीं रह पाते, मतलब डीमोटिवेशन आती है। तो उस चीज़ को लेकर के जो है आप लोग मतलब एकदम डाउन मत हो जाया करो, एक दिन ऑफ चलता है कोई बात नहीं, अगले दिन जिम फाड़ के आओ। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को कंट्रोल में रखनी है। अब ये तो सबको पता ही है, बेसिक चीज़ है कि हमें वेट लॉस करना है अगर, तो कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, कैलोरिक डेफिसिट में रहना है। अब इसका क्या मतलब है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली, बहुत बेसिक टर्म है, टेक्निकल टर्म है। अगर मैं आपको अपनी टिप्स दूँ जो मैंने उस ट्रांसफॉर्मेशन में फॉलो करी थी, तो सबसे पहला ऐड वेजिटेबल्स टू योर डाइट। मतलब कैलोरिक डेफिसिट तो आप ऑलरेडी चल रहे हो, वेट लॉस करना है, सिंपल थिंग है। वेट लॉस क्या, वेजिटेबल्स ऐड करने से क्या होगा कि अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब आपकी बॉडी में जाएंगे तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, विच विल लीड यू टू यू नो गेन हेल्दी मसल मास और लूज द स्टबन फैट। तो वेजिटेबल्स ऐड करना स्टार्ट करो, फ्रूट सैलेड ऐड करना स्टार्ट करो। अब जो मेरी 21 डेज वाली ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें मैंने जो है काफ़ी रिगरस डाइट फॉलो करी थी, मैं कुछ ज़्यादा ही डेफिसिट पे चला गया था, मैं ओनली प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहा था, कार्ब्स मैंने बंद किए थे ऑब्वियसली क्योंकि मुझे जो है फैट श्रेड करना है। बट लोग सोचते हैं हम चीनी भी काट देंगे, हम सॉल्ट भी काट देंगे और कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे, लेकिन वो रिजल्ट करता है स्टारवेशन में। तो दूसरा पॉइंट मेरा यही है, स्टारवेशन जब हो तो कैलोरिक डेफिसिट के अंदर रह कर आपको चेक करना है कि मैं चीनी अगर खा भी लूँ तो मैं कैलोरिक डेफिसिट के अंदर हूँ, तो कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। तो इस चीज़ की टेंशन मत लिया करो। बहुत लोग देखते हैं यार चीनी खाने के बाद बहुत गम मनाते हैं कि यार हमने चीनी खा ली, ये नहीं कि आप खाते ही जा रहे हो। एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी अगर आप देखो, उसकी बॉडी स्टार्व करती है ना, तो वो खाती है और वो उसके मतलब जो ग्रो करने के लिए उसकी मतलब जो बेबी है उसको ग्रोथ में हेल्प मिलती है, मतलब उसकी बॉडी को पता है कि वो क्या मांग रही है स्टारवेशन। मतलब अगर उसको मीठा खाना तो वो मीठा खाएगी, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या मांग रही है। ये नहीं कि अगर आपको मीठा की तलब हुई या फिर स्टारवेशन हुई तो आपने पूरा का पूरा पेट अपना रसगुल्लों से भर लिया, तो हमें ये भी नहीं करना है। अगर हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक रसगुल्ला खा लेना चाहिए तो आप खा लो, अगर आपको लग रहा है कि एक पेस्ट्री चख लेनी चाहिए तो आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को कोसना बंद करो यार, लाइफ थोड़ी इन्जॉय करना स्टार्ट करो। अब तीसरा पॉइंट मेरा आता है कैलोरिक डेफिसिट में, तो आप चल रहे हो, अब उसमें फूड हम क्या क्या खाएं, गुड क्वालिटी फूड खाना स्टार्ट कर दो। मतलब रिच इन फाइबर, रिच इन प्रोटीन, गुड कार्ब्स, मतलब सिंपल कार्ब्स भी खा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, वाइट ब्राउन कुछ मतलब दिक्कत नहीं होती, आप वाइट भी खा सकते हो अगर अवेलेबिलिटी है तो। मैंने तो वाइट ही खाए थे, इवन मैंने जो शूट हुआ था 21 डेज में उससे पहले ही एक दो घंटे पहले ही कार्ब्स लोडिंग करी थी ताकि फील द पंप। चौथा पॉइंट कैलोरिक डेफिसिट में ही आपको गुड क्वालिटी फैट्स भी ऐड करने स्टार्ट करने, फॉर एग्जांपल अलसी, पीनट बटर, और पीनट बटर भी थोड़ा मतलब देख के लेना पड़ेगा आपको, और चिया सीड्स, और मेरे पास एक सुपर फूड आता है जिसमें सारी सीड्स मिक्स होती हैं, आप वो लेना स्टार्ट करो। ओट्स खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चौथी टिप और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, डाइट वाइट सब अपनी जगह है, सेकेंडरी चीज़ कहता हूँ मैं, हमेशा मैं इस चीज़ पर एम्फोसाइज करता हूँ कि अपना वर्कआउट एंड लेवल कर दो, क्योंकि वर्कआउट के बाद कुछ नहीं है। जब तक वर्कआउट नहीं करोगे वो ब्लड फ्लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डाइट फॉलो कर रहे हो लेकिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे, क्या हो रहा है कि वो खाना जा रहा है बॉडी में, आपकी बॉडी थोड़ा बहुत ना दिन में वर्क करती है, मतलब उठने बैठने तब भी थोड़ी बहुत कैलोरीज बर्न होती है, क्या हो रहा है कि वो खाना जा रहा है और वो एनर्जी में सेव हो रहा है और एक्सेस हो रहा है वो फैट में जा रहा है। तो क्या करना है कि हमें एक्सरसाइज भी करनी है, जैसे कि अगर मैं बाइसेप मार रहा हूँ, मेरे को इस एरिया में खून पहुँचाना है, यानी पंप, जिसे हम पंप कहते हैं, इस एरिया में जब खून जाएगा तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी इस एरिया में जाएंगे और वो बाइसेप ग्रो करेगा, यही फंडा है। तो एक्सरसाइज तो रिगरस आपको करनी ही करनी है एक्सरसाइज। अब अगर आपको टाइम हो चुका है 6 महीने 1 साल, फाड़ना चालू कर दो अपने वर्कआउट में, मतलब वर्कआउट करके बाहर निकल रहे हो ना तो ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ काम करने लायक ना बचो, ऐसा वर्कआउट करना। डेली वर्कर्स की बात अलग है, डेली वर्कर्स इन द सेंस कि जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या फिर जो स्कूल गोइंग लोग हैं मेरी तरह, या फिर कुछ और भी काम है दिन में, तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट करके, बट वर्कआउट अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का वक्त आ चुका है अगर आपको फैट लॉस करना है या वेट गेन करना है। मैं दोनों में मैं वर्कआउट को जो है ना बहुत टॉप पे रखता हूँ, पहले मेरा वर्कआउट है उसके बाद मेरी डाइट है उसके बाद मेरी रिकवरी है, ठीक है। ऐसा भी काफ़ी टाइम हुआ है, रिकवरी पर भी लोग कहते हैं कि स्लीप इंपॉर्टेंट है, कभी कभार होता है यार कि रात में नींद नहीं आती, कुछ काम आ जाता है, तो ऐसा भी हुआ है कि मैं रात भर उठने के बावजूद जिम गया हूँ अगले दिन और बहुत तगड़ा वर्कआउट किया। तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, आप पहले वर्कआउट तगड़ा करो, और वर्कआउट अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट करो। डाइट वाइट पे इतना यू नो, आप बचपन से तो डाइटिंग नहीं कर रहे हो, करेक्ट, बचपन से तो बॉडी आप ट्रेन नहीं कर रहे हो, तो लेकिन तभी ग्रो कर रही है, क्यों कर रही है सोचो। तो इसीलिए वर्कआउट करना स्टार्ट करो, वर्कआउट करोगे एक फ्लो बनेगा, फ्लो के बाद आप डाइट फॉलो करना स्टार्ट करो, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स टू द बिग सक्सेस। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, और फट रही बिल्ली
बिल्ली आ गई, वो थोड़ा कोई बात नहीं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लोगों को पता है, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, क्या जा रहा है। देखो भाई अब तो बच्चे ने भी बोला यार, प्लीज। देखो मेरी नहीं तो इस भाई की तो सुनो ही सुनो यार, मतलब ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो बच्चा नहीं है, मेरी उम्र का ही है, सी मैन, ही सो यंग, और मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हमारी, हमारा भाई है, भाई है, बच्चा नहीं असल, वो तेरी बात अलग है, तू दो बच्चों का लगता है बाबा। और भाई चैनल नाम चेंज होने वाला घोड़े।